वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। आज का टॉपिक है चट्टानों के प्रकार। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, इजनियस रॉक्स, प्रद्दार, सेडिमेंटरी और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। प्रद्दार चट्टान के उदाहरण हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट। कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं संगमरमर या क्वार्टर्स या स्लेट। आग्नेय चट्टान अधिक ताप के कारण पिघले हुए लावे के पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे मूल चट्टान पेरेंट रॉक कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट का 95% भाग भी इसी चट्टान से निर्मित है। यह दो प्रकार की होती है, अम्लीय एसिडिक आग्नेय चट्टान, उदाहरण है इसका ग्रेनाइट। दूसरा बेसिक क्षारीय आग्नेय चट्टान, उदाहरण बेसाल्ट। दूसरा परतदार चट्टान, वायु एवं जल द्वारा प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ दूसरे स्थान पर जाकर परतों के रूप में जम जाते हैं, उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। परतदार चट्टान में जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों में ही पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए बालू पत्थर सैंड स्टोन, जिप्सम, कोयला, खड़िया। तीसरा कायांतरित चट्टान, यह चट्टानें उच्च दाब ताप से आग्नेय एवं परतदार चट्टानों से परिवर्तित के फलस्वरूप बनती हैं। ये चट्टानें सबसे ज़्यादा कठोर हार्ड होती हैं, उदाहरण स्लेट, संगमरमर, मार्बल या लकड़ी का कोयला। मार्बल कायांतरित चट्टान होता है जो कि चूना पत्थर से निर्मित होता है। क्वार्ट्ज का बालू पत्थर से होता है, स्लेट है सेल से और ग्नीस ग्रेनाइट से बनता है। दोस्तों, आप को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।